I think you're the right person to convince him कि ऐसे unmatched marriage का result क्या होता है. I want your support, Kat. I need your support. I mean, I wish I could just meet her once. You can. हमारे रिश्ते की परछाई ने एक बहुत बड़ी उलझन क्रिएट कर ली है सबके लिए यहाँ पर. मैं कल नहीं, मैं परसों सुबह तक पहुँच जाऊँगा. आई एम रियली सॉरी अफीम. उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे काम के लिए जल्दी आ जाएंगे. ओहो, डेली मॉर्निंग वॉक्स, एक्सरसाइज, कोई फर्क नहीं पड़ा. वैसे के वैसे ही हो. नहीं नहीं पड़ा. वैसे राधा जी भी बिल्कुल आप ही की तरह कहती है. राधा जी? कौन राधा जी? अपनी नेहा की माँ. ओह, अभी मन्यू की मदर इन लॉ. हाँ भाई, वो हेल्थ कॉन्शियस क्यों ना हो, अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस जो रही है. अब कैसी हो? ठीक है, मजे में है. काफी जिंदा दिल इंसान है. नेहा भी अच्छी लड़की है. अच्छा ही हुआ नेहा और अभिमन्यु की शादी हो गई. सिमरन को लेकर तुम्हारी तो काफी फिक्र कम हो गई होगी. हाँ, कुछ हद तक जी है. लेकिन अभी भी अभिमन्यु का यहाँ आना लगा ही रहता है. कभी आस्था से मिलने चला आता है, कभी सिमरन से. एक्चुअली सिमरन ने अपनी जिंदगी में जो उसे इम्पोर्टेंस दे रखी है ना, उसे देखकर गुस्सा आता. मुझे अब समझ में आ रहा है, जिस इंसान ने आपके बच्चे को इतनी तकलीफ, इतना दर्द दिया है, उसे एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होता है. हर्ष, प्लीज क्विकली, आई एम गेटिंग लेट. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. ओह, गुड मॉर्निंग. ये क्या, जाने की तैयारी हो गई? जी पापा, मुझे जाना होगा. मैंने शगुना से कह दिया है कि मैं नाश्ता भी नर्सिंग होम में करूंगी. हर्ष, तुम कहाँ जा रहे हो? हर्ष, अब हर्ष अपनी दीदी का नर्सिंग होम देखना चाहता है, इसलिए ले जा रही हूँ इसे. ओके, बाय पापा. बाय वीरा. बाय पापा जी. बाय बेटा. बाय बुआ. बाय. चलिए. एक्चुअली सिमरन अच्छी तरह हैंडल कर रही है सिचुएशन को. हमारी तरह हाइपर होकर नहीं, इंटेलिजेंटली, साइकोलॉजिकली, और मेरे ख्याल से धीरे धीरे वो हर्ष को राजी कर लेगी. आई होप सो. हेलो, कमाल करती हो तुम. मुझे लगा तुम अच्छी बीवियों की तरह एयरपोर्ट आओगी मुझे रिसीव करने के लिए, तुम घर पे बैठी हुई आराम कर रही हो. कुछ थकावट सी लग रही थी तो. अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ. अच्छा सुनो, मैं घर पहुंच रहा हूँ. वो कुछ देर पहले. क्या हुआ? कुछ नहीं. तुम घर आ रहे हो ना? हाँ घर आ रहा हूँ मैं. ठीक है, बाय. हाँ, अभी का ही फोन है. हाँ अभी, you're back in town? Yeah, I am. How are you? I'm fine अभी. Are you back home? घर पहुँच गए हो तुम? अभी जा रहा हूँ, घर ही जा रहा हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा, अभी एक काम करो, तुम घर जाओ. I'll call you later. हाँ अरे सुनो, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? हाँ अभी बस मैं वहीं जा रही हूँ, होटल इंटरनेशनल. तुम्हें भी वहीं आना है, बट पहले तुम घर जाओ. ओके, लेकिन ये होटल में क्यों? अभी I told you have to meet someone there ना? बस उसी सिलसिले में जा रही हूँ. बट देयर इज नो हरी, तुम घर जाओ, सबसे मिल लो, एंड इन केस देयर इज एनी चेंज ऑफ प्लान मैं तुम्हें बता दूंगी. हाँ ठीक है, ये मेरे पास भी सामान वगैरह काफी है, तो मैं घर ही होकर आता हूँ एक बार में. ठीक है, लिसन लिसन लिसन, सुनो, आई विल कम एंड मीट यू फर्स्ट. अभी नेहा तुम्हारे लिए वेट कर रही है, प्लीज तुम घर जाओ पहले. अरे नेहा से मैं बात कर लूंगा, लेकिन मैं पहले आकर तुम्हें मिल लेता हूँ. ठीक है, बट अभी. हाँ मैं मिलता हूँ तुम्हें. ओके बाय. He is reaching there directly right now. Right now? Right now. Wow! Just keep your fingers crossed. Crossed. Hello? हाँ सुनो नेहा, मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा. हाँ क्यों, तुम तो घर आने वाले थे ना? नहीं मैं घर आ रहा था, लेकिन वो सिमरन को कोई जरूरी काम है, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ पहले. बाद में मिल लेना उनसे. अरे काम है बाबा, देखो मैं अभी घर आ जाऊंगा, फिर घर आते मुझे दोबारा निकलना पड़ेगा, तो दो दो चक्कर हो जाएंगे ना. तुम एक बारी में काम खत्म करके घर आ, तो फिर हम दोनों आराम से बैठेंगे. ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो.
ओके, दिन में घर आके मिलता हूँ तुम्हें, ठीक है? बाय। हर्ष, दिस इज अभी। अभी मेरे कजिन। हाय हर्ष, बुआ जी के बेटे। राइट राइट राइट, अभिमन्यु। हाउ यू डूइंग? एंड दिस इज कैथरीन। हाय हाय, नाइस टू मीट यू। बेटा नहीं, वो क्या मुद्दा क्या? हर्ष अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है और बुआ और फूफा जी इस बात के लिए राजी नहीं है। Alex, कैथरीन हर्ष से उम्र में 8 साल बड़ी है। History repeats itself. हो सकता है मेरा नाम देखकर फोन ना लें। मैं नर्सिंग होम फोन करती हूँ। हेलो, आस्था नर्सिंग होम। मैं डॉक्टर सिमरन से बात करना चाहती हूँ। जी, वो तो आई नहीं अभी तक। शी माइट बी ऑन लीव। आप कौन बोल रहे हैं? तो सिमरन के घर गए। ऐसा क्या जरूरी काम था जो 1.5 महीने बाद अपनी बीवी से मिलने से पहले वहां जाना पड़ा? यू नो, आई रियली एडमायर एंड रिस्पेक्ट हर्ष लव फॉर हिज पेरेंट्स। मैंने ये चाहते वो उनको छोड़कर मेरे पास आए। यस, आई लव हिम। And that's why I'm here. It's our battle. और मान लीजिए अगर हर्ष के पेरेंट्स नहीं माने तो कोई बात नहीं। We've been together for 18 months. And और जो कम टाइम में जो प्यार, love, faith, understanding हर्ष ने मुझे दिया, वो lifelong treasure है मेरे लिए, which I was yearning for years. I was married before and I failed. My husband, उनको freedom चाहिए। And Catherine, do you really believe कि हर्ष के साथ शादी करके तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो पहली शादी में नहीं मिला? Yes, Harsh is an honest and sincere guy and marriage is based on sincerity and trust, है ना? Yeah, but what about your age difference? Like 8 साल बहुत होते हैं। I know. हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, बट बेसिकली व्हाट आई फील इज मैच्योरिटी सिर्फ एज से नहीं आती। यस, हर्ष इज यंगर टू मी, बट ही सो मच मैच्योर इन सो मेनी अदर वेज। अदरवाइज वो अपने पेरेंट्स की नहीं सोचता। सिमरन दी, मैं तो कभी भी मम्मी पापा के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता और जा सकता भी नहीं। एक ही बेटे का अपने माँ बाप से अलग हो जाना
उनके दिल पे क्या बीतेगी, कितना पेनफुल होगा। अरे ये मैं जानता हूं सिमरन दी, आई रियली लव कैथरीन, शी हैज डन सो मच फॉर मी। आप जानते नहीं क्या क्या नहीं किया इसने मेरे लिए, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको समझने के लिए सारी डिशेस सीख ली, उनको जो पसंद है वो इसे बनाना आता। ये है कि उन्हें अपने पेरेंट्स की जगह देखना चाहते, और मॉम एंड डैड हमी रोना नहीं, आई डोंट वांट टू सी यू लाइक दिस, आई कांट सी यू लाइक दिस, अंडरस्टैंड? इफ यू डेयर वी विल डू दिस समहाउ, कन्विंस करेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स जस्ट against it, then we'll be friends. It's more important to me, to us. Harsh, तुम फिक्र मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम बात करेंगे उनसे, है ना भी? हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बनाने की। तो फिर क्या सोचा चीजा? क्योंकि देखो डिसीजन तो लेना पड़ेगा आज नहीं। अरे नेहा। नमस्ते अंकल। नमस्ते, आप बैठो बैठो। डॉक्टर सिमरन घर पर है? सिमरन तो नहीं बेटा, वो नर्सिंग होम में है। मैंने नर्सिंग होम फोन किया था, वो आज गई नहीं वहाँ। मुझे लगा अभिमन्यु को एयरपोर्ट से लेके शायद सीधा घर आ गई हूँ। सिमरन, सिमरन अभिमन्यु को लेने गई है? अभिमन्यु ने कहा था डॉक्टर सिमरन को उनसे कुछ जरूरी काम है तो। नमस्ते। अरे तुम यहाँ? तुम घर नहीं आए तो मैंने सोचा तुम्हें यही मिल लूं। नेहा, तुम बुआ जी और फूफा जी से मिल चुकी हो। दिस इज माय कजन हर्ष। हाय। हेलो हर्ष, दिस इज नेहा। ओह हाय। बुआ जी, मेरी बात हुई है हर्ष से, इनफैक्ट काफी लंबी बात हुई है। कैथरीन, सिमरन ये सारी बातें हम बाद में करें, आई मीन घर की बातें सबके सामने यूं। व्हाई नॉट पापा? पापा फुआ जी और बुआ जी लंदन से मुझसे बात करने आए हैं, मेरी एडवाइस लेने आए हैं। लेकिन शादी तो दो लोगों के बीच होती है ना पापा, और सिर्फ मुझसे बात करके मेरी ओपिनियन जानकर एक डिसीजन पर आना गलत होगा पापा, इसलिए अभी को बुलाया है मैंने। बेटा किसी और के साथ क्या हो रहा है हमें उसका मतलब नहीं है, हम हर्ष की बात कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हर्ष के साथ भी वही हो जो तुम्हारे साथ हुआ है। नहीं होगा पापा, बिकॉज़ कैथरीन इज वेरी मैच्योर, बहुत समझदार है। जिस लड़की से तुम मिली नहीं हो, उसे जानती नहीं हो, इतनी बड़ी बात उसके लिए इतनी कॉन्फिडेंटली तुम कैसे कह सकती हो? मैं मिली हूँ कैथरीन से, बॉम्बे में है वो, अभी और मैं उसे मिलकर आ रही हूं। एंड ऑनेस्टली वी थिंक दैट हर्ष एंड कैथरीन शुड गेट मैरिड। बड़ी गलती की हमने यहां कर, सोचा था सिमरन हर्ष को समझाएगी, मना लेगी उसे, अपनी शादी में जो तकलीफें उसने झेली है अपने भाई को उन्हीं तकलीफों से बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहां
या तो कुछ और ही हो रहा है. शी इज एक्चुअली सपोर्टिंग हिम. आप लोगों को अगर बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहना चाहूंगा. मेरी और सिमरन की शादी नहीं चली, इस बात का पूरा दारोमदार मेरे सर पर है. सिमरन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, बस मैं ही कुछ नहीं कर पाया. लेकिन इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से जिंदगी भर सीखता है, और मुझे ये बात समझ में आई है कि सो कॉल्ड अनमैच्ड मैरिजेस जो हैं उसमें द यंगर पार्टनर हैज टू बी केयरफुल. ये उसी पे निर्भर करता है कि वो शादी को चलाना चाहता है कि नहीं चलाना चाहता. यू नो मैच्योरिटी कांट टेक अ यू टर्न, इट जस्ट कांट. मेरे ख्याल से दारोमदार हमेशा छोटे पार्टनर पर ही होता है कि वो दो कदम आगे बढ़े और अपने पार्टनर के साथ साथ में चलने की कोशिश करे. और हर्ष को देखते हुए मुझे लगता है कि वो इतना समझदार है कि अगर वो वही गलतियां नहीं करेगा जो मैंने की थी तो शायद ये शादी भी कामयाब होगी. And I agree with Abhi. क्योंकि हर्ष बहुत मैच्योर है. जब मेरी और अभी की शादी हुई थी तब के अभी से कहीं ज्यादा मैच्योर है हर्ष. एंड बुआ जी, आई नो हर्ष विल मैच कैथरीन्स लेवल ऑफ मैच्योरिटी. जो अभी और मेरे साथ हुआ वो इन दोनों के साथ नहीं होगा बुआ. आज अगर हमारी शादी हुई होती It would have been an ideal marriage. उम्र का फासला आज भी है बुआ, but the maturity levels are equal. Equal? Equal तो है या नहीं मैं नहीं जानता. Definitely आज अगर हम दोनों की शादी होती है, I understand her a lot better. मैं अपने आप को शायद ज़्यादा अच्छी तरह से समझता हूँ. आप मेरा ओपिनियन जानना चाहती थी ना? Then I think that Harsh and Catherine should get married because they love each other, they understand each other. Bua. Didi, Amla. I knew they wouldn't agree. Thanks for your support, you know. Thank you. Abhi, hum yahan kya kar rahe hain? Ghar chale? Tried. I really appreciate it.